दोस्तों, अगर आप लंबे समय से खांसी से जूझ रहे हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं, अगर टीबी नहीं है, पहले मैं बता दूं ये टीबी के लिए नहीं है दवाई, तो टीबी है वो तो आप जांच करा के पता कर सकते हैं, लेकिन आपने जांच कराई टीबी नहीं आई, नॉर्मल खांसी है, वो जा नहीं रही, लंबा समय हो गया आपको, 15 दिन 20 दिन महीना, क्योंकि या तो परहेज में कोई गड़बड़ चल रही है, आप चिकनाई वाली चीजें खा रहे हैं, ठंडी चीजें खा रहे हैं, चावल इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर कोई और रीजन हो सकता है, धूल मिट्टी वाले आप माहौल में रहते हैं, मजबूरी है भाई कहां जाए, तो वहां से आपको दिक्कत बन रही है, या किसी साथ वाले अपने साथी को भी खांसी है, आपकी ठीक होती है, उससे फिर दोबारा से लग जाती है, कुछ भी रीजन रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में आप बड़े परेशान हो जाते हैं, शादी ब्याह में नहीं जाते हैं शर्माते हैं, फंक्शन में नहीं जाते हैं शर्माते हैं, किसी से फोन पर बात कर रहे हैं, फोन पर बात करते करते खांसी उठ गई आपको, या फिर आप जम्भाई ले रहे हैं, मुंह खोल रहे हैं, तब भी खांसी उठ गई, तो ऐसी कंडीशन में घबराने वाली बात नहीं, चिंता करने वाली बात नहीं है, ये वीडियो आप ही के लिए है, इस वीडियो पर आपको एक ऐसी दवाई बताऊंगा जिससे आपको इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जरूर दिखाएं। तो वीडियो में आगे चलते हैं, इस सिरप को जान लेते हैं, इस दवाई को जान लेते हैं, तो इस सिरप का नाम है ग्रिलिंगटस एल सिरप, ये एंटीटसिव क्लास की मेडिसिन है, या फिर इसे बोल सकते हैं कफ सप्रेसेंट मेडिसिन भी आप इसे बोल सकते हैं, जो कि आपकी ड्राई कफ को खत्म करने में काफी इफेक्टिव रिजल्ट दिखाती है। ड्राई कफ अगर आपको है तो वहां पर इस सिरप का बहुत ही बेहतर यूज आप कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इसके अंदर क्या दवाई पड़ी हुई होती है, इसके अंदर साल्ट क्या है। दोस्तों, इसके अंदर लिवोक्लो पैरास्टीन फेंडिजोएट पाया जाता है, जो कि 35.4 mg में आपको मिलता है, और ये सिर्फ मैंगो फ्लेवर में आता है, जिससे इसे लेने में कोई दिक्कत नहीं होती, आप बच्चे को, बड़े को या फिर महिला को भी आराम से इसे दे सकते हैं। अब इसके मैकेनिज्म को जान लेते हैं, इसके काम को जान लेते हैं, कैसे काम करती है दवाई। देखिए, ये जो एंटीटसिव क्लास की मेडिसिन है, जैसा कि आपको बताया, ये हमारे दिमाग के कफ सेंटर को ब्लॉक कर देती है, हमारे लैरिंग्स और फेरिंग्स और ट्रैकिया बोलते हैं जो श्वास नली बोलते हैं, जहां से सांस जाता है फेफड़ों में, उसमें कफ रिफ्लेक्स प्रोड्यूस होते हैं, जो कि सीधे ब्रेन तक जाते हैं। अब ये एंटीटसिव उनको ब्लॉक कर देती है, जिसे धीरे धीरे आपको खांसी बंद हो जाती है, क्योंकि दिमाग तक जब सिग्नल नहीं पहुंचेंगे, रिफ्लेक्स नहीं पहुंचेंगे, तो खांसी आपको नहीं उठेगी। मेन काम दिमाग का होता है, आप जब कोई गर्म चीज पकड़ते हैं तो एकदम से हाथ पीछे हटा लेते हैं, आपने जैसे गर्म चीज पकड़ी, ये सीधे सिग्नल आपके दिमाग में गए, दिमाग ने कहा उसे हटा लो वहां से, एकदम आप हटा देते हैं, तो आप हाथ से नहीं हटा रहे, आप दिमाग से हटा रहे हैं। खांसी आ रही है वो दिमाग बता रहा है, छींक आ रही है वो दिमाग बता रहा है, क्योंकि कुछ चीज अटक गई है तभी तो छींक आ रही है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो परेशानी हो जाएगी, अगर आप उस ग्लास को गर्म को पकड़े रहेंगे तो हाथ जल जाएंगे, तो वो दिमाग सिग्नल भेजता है, इन सिग्नल को कट कर दिया जाता है, जिससे कि आपको खांसी नहीं आती, और धीरे धीरे ये जो दवाई होती है वैसे काम करती है कि आपकी खांसी खत्म ही हो जाती है। बात कर लेते हैं इसके प्राइस की, तो 115 रुपये या 125 रुपये के बीच में आपको ये मिल जाती है, अलग अलग प्राइस रेट हो सकते हैं आपके अलग अलग शहरों के अनुसार, तो वो आपके ऊपर है, आप कहाँ से खरीद रहे हैं, ऑनलाइन खरीद रहे हैं, ऑफलाइन खरीद रहे हैं, या फिर आपका स्टोर वाला क्या आपको कंसेशन दे रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको ये 100 ml की शीशी 115 से 125 रुपये में मिल जाती है। बात करते हैं इसकी डोज की, तो देखिए, अगर आपकी उम्र 6 साल से नीचे है तो 2.5 ml सुबह दोपहर शाम आपको दे सकते हैं, अगर आपकी उम्र 6 साल से 12 साल है तो आपको 5 ml यानी 1 चम्मच आपको दिन में 3 बार दी जा सकती है, और अगर आप 12 साल या उससे ऊपर हैं तो आपको 2 चम्मच यानी कि 10 ml आपको दवाई दिन में 3 बार दी जा सकती है। खाना खाने के आप आधा घंटे बाद इसको ले सकते हैं, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं, कोई साइड इफेक्ट इसके देखने को नहीं मिल सकते, हल्की सी नींद सी घुमेड़ सी आ सकती है अगर आप ओवरडोज कर लेते हैं, ओवरडोज खुद ही आप पता है कि साइड इफेक्ट हो ही जाएंगे, जब आप ओवरडोज करेंगे, स्पीड से ज्यादा गाड़ी चलाएंगे तो भाई एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ जाएंगे, लिमिट में चलाएंगे तो नहीं होंगे, तो लिमिट में आप कोई भी काम करेंगे दिक्कत नहीं होगी, तो डोज लिमिटेड रखें, जो आपको बताइए इसमें आपको कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं। कब तक इस्तेमाल करनी, जब तक आपको खांसी से आराम नहीं मिल जाए तब तक आप इसे लेकर के जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप लंबे समय तक भी लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, आप जब आपको आराम लग जाए तो उसको आप सिर को छोड़ सकते हैं। दोस्तों, इससे संबंधित अगर कोई जानकारी आपको लेनी तो आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दिखाएं, अगली वीडियो में नई रोचक जानकारी के साथ जल्दी मुलाकात होगी, नमस्कार, धन्यवाद।